हेलो गाइस, किसमिस किचन में आज स्वागत है आप लोगों का। मैं आज मॉर्निंग सुबह के नाश्ता जो होता है वो उसके लिए मैं एक शानदार रेसिपी लेके आई। उसी के लिए मेरे को क्या क्या सामग्री लग रहा है मैं दिखाती हूँ। पहले बताती हूँ आपको, जो जो आइटम से जो नाश्ता बना रही तो उसके रेसिपी के जो नाम है तो वाइट मटर आलू की सब्जी और साथ में लूची, कोई बोलते हैं फुलका, कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं उसका, गार्लिक लूची ऐसे। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, मेरे आलू, मटर, प्याज, हरी मिर्च, नमक, ऑयल और ये कालूंजी और ये धनिया पत्ता। इसी से मैं बनाऊंगी वो वाइट आलू और मटर की सब्ज़ी। इससे हल्दी यूज़ नहीं होता है। तो और जो लूची बनाना है उसके लिए क्या क्या लग रहा है वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मैदा, उसके थोड़ा सा ये मिर्च पाउडर और ये गार्लिक और ये ऑयल और नमक, इसमें बन जाएगा सवेरे मज़ेदार एक रेसिपी नाश्ता। चलिए पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ गार्लिक को थोड़ा फ्राई करने के लिए। ये गार्लिक भी डाल देते हैं इसी के अंदर। थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जो गार्लिक का जो कच्चे के जो ये आता है तो बात आता है, उसी से मैंने फ्राई कर लिया इसलिए। तो चलिए पहले मैं वो मैदा के साथ जो गार्लिक जो फ्राई कर लिया वो डाल देते हैं। फिर थोड़ा सा नमक, फिर पानी से इसे गूंथ लेते हैं। थोड़ा करके पानी डाल के मैंने इसे गूंथ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डो बना के। मैदा को अच्छे से मैंने ये बना के डो बन लिया, उसे डो बनाया, फिर इसको लेची करके मैं फ्राई करूँगी। तब तक मैंने पहले वो सब्जी बना लेते हैं। चलिए गैस ओवन के पास पहले मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल रहे हैं, देखिए फिर इसके अंदर मैंने कलंजी डाल रहे, देखिए यहाँ पे मैं कलंजी डाल दिया। फिर इसके अंदर मैंने प्याज कटा हुआ प्याज थोड़ा सा भून देती हूँ, दो मिनट। अभी इसके अंदर हरी मिर्च कटा हुआ हरी मिर्च डाल दें, फिर इसको भी थोड़ा चला लेते हैं दो मिनट। ये सब जो कच्चापन है ये थोड़ा फ्राई हो जा रहा है तो अच्छा है। अभी गोल्डन हो गए, कितनी सुंदर खुशबू आ रहा है जो फ्राई किया मैंने प्याज और हरी मिर्च का, शानदार खुशबू आ रहा है। तो इसी के अंदर मैंने अभी आलू और मटर डाल रहे, फिर मटर भी डाल दे रहे। फिर दो मिनट तक मैं इसे फ्राई कर लेती। अभी नमक ऐड कर रहे हैं स्वाद अनुजाई नमक। फिर पानी ऐड कर रहे हैं मैं, ये पकने तक जितना पानी चाहिए मैंने इतना ही ऐड किया। फिर इसके मैं ढक देती हूँ, 5 मिनट पका लेती हूँ मैं इसके। चलिए फिर दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। अभी चलिए गैस की ओवन के पास। और हाँ, ये पक चुका है, आलू और मटर पक चुका है। अभी मैं धनी पत्ता से इसके डाल के इसे मैं उतार लेती हूँ। थोड़ा ये सूखा सब्जी बनेगा, मैं धनिया पत्ता डाल रही और थोड़ा सा इसको मैश कर देती हूँ आलू को। इसे हल्दी यूज़ नहीं किया इसलिए वाइट वाइट दिख रहा है और इसके जो टेस्ट थोड़ा अलग लगता है इसके, देखिए अब
लूप बना के कैसे। चलिए मैं इसको उतार लेती हूँ। ये मैं छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे बॉल बना लिया, फिर इसको मैं बेल लेती हूँ। थोड़ा ऑयल लगा तो भी आप लोग, मैं अभी तेल गर्म हो गई तो इसके अंदर मैंने जो बनाया पूरी ये डाल रही। ये अच्छा सा थोड़ा फ्राई करना दीजिए। ये अच्छा सा देखिए गर्मा गर्म गार्लिक पूरी और वो सब्जी के साथ बना के देखिए कैसे है। मैं एक एक करके ये बना लेती हूँ। फिर दूसरा भी डाल देती हूँ। चलिए देखिए मेरे तैयार हो गई प्लेट। ये गार्लिक लूची भी बोलते हैं, कोई पूरी भी बोलते हैं, और इसके साथ वाइट मटर आलू की सब्ज़ी। और एक बार ये बना के खा के देखिए कैसे टेस्ट है। बाय।